आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो कूच से पहले हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़े बंदी शुरू कर दी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कारण, पिछले बार पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को किसानों ने ट्रैक्टरों से नदी में फेंक दिया था, लिहाजा अब की बार हाईवे पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखकर पूरे हाईवे पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है। इसके बाद इन बैरिकेडिंग को सीमेंट और कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां तैनात कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि किसी को भी शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों से कहा गया है कि वह इस प्रदर्शन में बिना अनुमति के शामिल नहीं हो, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को 26 से ज़्यादा किसान संघों के दिल्ली चलो प्रदर्शन की घोषणा की थी। हालांकि 2020 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली चलो प्रदर्शन के आह्वान का हिस्सा नहीं है। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने उनकी मांगों पर चर्चा के लिए उन्हें 12 फरवरी को आमंत्रित किया है। किसान नेता ने कहा कि 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करने के लिए 12 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय सोमवार को चंडीगढ़ में किसान यूनियन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 12 फरवरी तो शाम 5 बजे सेक्टर 26 में किसान के साथ अहम बैठक की जाएगी। यह बैठक किसानों के दिल्ली चलो मार्च से एक दिन पहले यहां सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में होगी। पंधेर ने चंडीगढ़ में बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करने वाला पत्र भी साझा किया। तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहली बार बैठक 8 फरवरी को हुई थी। किसान मजदूर संघ समिति के महासचिव पंधेर ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई MMS भेजने की सेवा पाबंदी लगाने के फैसले के लिए हरियाणा सरकार की निंदा की है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कई मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान संघों के साथ दिल्ली चलो मार्च की घोषणा की थी, जिसके बाद से यह 12 फरवरी को केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक होती है। उसके बाद यह तय होगा कि 13 फरवरी को जो दिल्ली चलो आह्वान है वो आगे जारी रहता है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।